चाहता हूँ तुझको दिलो जान की तरह, मैं चाहता हूँ तुझको दिलो जान की तरह, तू छा गई है मुझ पे आसमान की तरह, छा गई है मुझ पे आसमान की तरह। सो हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप कुछ इस प्रकार की न्यू स्टेटस वीडियो को कैसे बना सकते हो जो कि डीजे फैक्ट स्टेटस वीडियो है। सो इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले गाइस, मैं आपको बताना चाहता हूँ कल की वीडियो के बारे में। कल जो मैंने एक इमेज और एक साइडो इमेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में नहीं डाल पाया था अपनी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में, कल वाली वीडियो की बात कर रहा हूँ, तो आप लोगों को बहुत गुस्सा आया होगा, आप लोग को नहीं मिला होगा, लेकिन अब मैंने डाल दिया है तो आप जाके चेक कर सकते हो। यार गाइस, मैं भूल गया था यार। सो अब मैंने लिंक डाल दिया है, आप जाके चेक कर सकते हो। ओके सो गाइस, अब बढ़ते हैं इस एडिटिंग की तरफ। सो गाइस, इस वाला काइन मास्टर डाउनलोड कर लेना सबसे पहले, इसका लिंक टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा मेरा। वहाँ से डाउनलोड नहीं कर पाते तो इंस्टाग्राम पे मैसेज कर देना, वहाँ पे मैं आपको लिंक सेंड कर दूंगा। ओके तो आपको करना क्या है, काइन मास्टर में आना है, क्रिएट न्यू पे क्लिक करना है, आपको सेकंड नंबर का साइज सेलेक्ट करना है और नीचे जाने के बाद फिल कर देना है, फिर आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। बट उससे पहले अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। तो गाइस चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, मैं थोड़ा जल्दी जल्दी बोल रहा हूँ क्योंकि मेरे को वीडियो बहुत जल्दी बनाना है, इसलिए मैं थोड़ा जल्दी बोल रहा हूँ। अब गाइस क्या करना है, इतना करने के बाद फिर आपको अपनी फोटो को सिलेक्ट कर लेना है, यहाँ से मीडिया पे क्लिक करके अपनी फोटो को सिलेक्ट कर लेना। ओके सो अपनी फोटो को सिलेक्ट कर लेना, तो आप कितना फोटो सिलेक्ट करोगे तो वो अपने हिसाब से देख लेना, आप कितना फोटो सिलेक्ट करोगे, आप जितना फोटो सिलेक्ट कर सकते हो उतना अच्छा होगा, उतना लंबा वीडियो आपका बनेगा। ओके तो मैं बस कुछ फोटो को सिलेक्ट कर लेता हूँ, बस आपको बताने के लिए एग्जाम्पल दे दूंगा, फिर आप उस प्रकार से अपनी वीडियो को पूरा वीडियो को क्रिएट कर सकते हो। सो गाइस, मैंने कुछ फोटो को सिलेक्ट कर लिया, अब आपको क्या करना है, लेयर पे क्लिक करना है, मीडिया पे क्लिक करना है और ये वाला वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आपको इसको डाउनलोड करके एडिट करना है। ओके इसमें इस वीडियो में ये मेन चीज़ है कि यहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि हमारा इमेज जो है कहाँ कहाँ पे ट्रिम होगा, क्योंकि ऐसा इस सॉन्ग में नहीं तो बीट का पता चलता है, ना ही यहाँ पे सॉन्ग में बीट बना आता है, तो इसी रीजन से मैंने सोचा कि आपको बहुत ही ज़्यादा टाइम लग जाएगा अगर आप नॉर्मली करोगे तो ट्रिम, तो इसलिए मैंने ट्रिम करके आपको वीडियो का लिंक दे दिया डिस्क्रिप्शन में, आप डाउनलोड कर लेना उसको और इस प्रकार से इसको एडजस्ट कर देना, इसका स्ट्रेक एडियो निकाल देना क्योंकि इसमें ये हमारा सॉन्ग भी है। अब आपको कुछ भी नहीं करना है, इसको घींच के बड़ा करना है, इसको खींच के बड़ा करने के बाद अब आपको करना है कुछ भी नहीं करना है, बस यहाँ पे इसको आगे सेलेक्ट करते जाना है आपको, जहाँ पे इस वीडियो में फ़ोटो चेंज होता है ना जस्ट सेम, आपको वहीं पे अपनी फ़ोटो को ट्रिम करना है ऊपर में। ओके इस प्रकार से आपको अपनी इमेज को ट्रिम करना है, ये वाला है ना सेकेंड नंबर वाला ट्रिम टू राइट ऑफ लेफ्ट, इस पर क्लिक करना है, फिर आपको आगे जाना है, स्लाइड करना है और जहाँ पर भी फ़ोटो चेंज होता है वहाँ पर आपको इस प्रकार से ट्रिम करना है। इसीलिए मैं इस वीडियो को बना के दिया हूँ ताकि आपको आसान हो, आपको दिक्कत ना हो ट्रिम करने में, कुछ भी करने में। ओके तो मैं थोड़ा जल्दी जल्दी कर लेता हूँ, आपको ऐसा जल्दी जल्दी करोगे तो आपका टाइम बहुत ज़्यादा बचेगा। ओके तो यहाँ पे हमारा ट्रिम हो रहा है, हमारा इमेज चेंज हो रहा है, तो वहाँ पर हम ट्रिम कर लेंगे, फिर आगे जाएंगे। ओके इस प्रकार से देखते जाएंगे कहाँ पर हमारा इमेज ट्रिम होगा, वहीं पर हम अपनी इमेज को ट्रिम कर लेंगे। ओके यहाँ पर हो रहा है, ये आप लोग देख सकते हो, तो यहाँ पे ट्रिम कर लेंगे। ओके तो थोड़ा सा आगे पीछे हो सकता है, ज़्यादा आगे पीछे मत करना, उससे वीडियो अच्छा नहीं बनेगा, थोड़ा सा आगे पीछे हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं। ओके अब देखो गाइस, यहाँ पे आके चेंज हुआ है। ओके तो यहाँ पे आके चेंज हुआ है, तो यहाँ पर भी हम ट्रिम कर लेंगे, फिर आगे जाएंगे वीडियो में देखेंगे कहाँ पर इमेज चेंज हो रहा है, वहीं पर हम ट्रिम कर देंगे। ओके मैंने बोला थोड़ा सा इधर उधर चलेगा, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ओके इसलिए आपको अच्छे से ट्रिम करना, ये देखो यहाँ पर, ओके यहाँ पे हुआ है, तो यहाँ पे मैं कर लेता हूँ, ये देखो। अब गाइस इतना करने के बाद फिर आपको आगे देखते हैं ना, पूरा वीडियो 30 सेकंड या 33 सेकंड का वीडियो है, उसमें पूरा आपको वही सिलेक्ट करके ट्रिम करना होगा। ओके अगर मैं पूरा करके दिखाऊँ तो कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि मैंने आपको बता ही दिया कैसे ट्रिम करना है, किस प्रकार से आपको यहाँ पर ट्रिम करना है। ओके अब मैंने तो आपको बता ही दिया है, अब वो देखो आगे सिलेक्ट करना है। ओके यहाँ पर हमारा फोटो चेंज हो रहा है, यहाँ पे देखो तो बीट का कोई ताल नहीं है, तो मैं आपको बीट के हिसाब से बता देता, लेकिन यहाँ पे बीट का कोई वो ही नहीं है, क्या बोलते हैं उसको, ये देखो यहाँ पे। सो आपको एन वन बाय वन करके एकदम पूरा जल्दी से जल्दी स्ट्रीम करना है, इससे आपका वीडियो मतलब जो है वीडियो नहीं, आपका टाइम बहुत कम वेस्ट होगा, इधर आपका टाइम बहुत ज़्यादा लगने वाला है। सो इस प्रकार से मैं ट्रिम कर लिया हूँ और इधर भी मैं ट्रिम कर लेता हूँ, यहाँ पे मेरा इमेज चेंज हुआ है,
तो आप जल्दी जल्दी ट्रिम करोगे तो आपका वीडियो अच्छा अच्छा जल्दी बन जाएगा, अदरवाइज आपका वीडियो जो है बहुत ही टाइम में बहुत ही समय लग जाएगा आपका वीडियो बनने में। सो मैंने इतना बता दिया कि किस प्रकार से आपको ट्रिम करना है, तो अब मैं बाकी सारे फोटो को डिलीट कर देता हूँ क्योंकि बहुत ही ज़्यादा टाइम वेस्ट हो रहा है इसमें और मैं नहीं करना चाहता क्योंकि मेरे को अभी जल्दी वीडियो बना के अपलोड करना है। टाइम यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। सो अब गाइस क्या करना है, सेम टू सेम वही काम करना है जो मैं इसमें बताऊँगा आपको, पूरी वीडियो में वही करना है, आपका वीडियो पूरा परफेक्ट बन जाएगा। ओके सो काइन मास्टर में सबसे पहले कॉल मी डीजे इफेक्ट को डाउनलोड कर लेना आप, जो कि एक क्लिप ग्राफिक्स है, अगर इसको आपको डाउनलोड करना नहीं आता है ऊपर आई बटन नीचे डिस्क्रिप्शन दोनों जगह पे भी लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, आप जाके चेक कर सकते हो। ओके सो गाइस सबसे पहला इमेज में आपको क्या करना है, ओवरऑल एनिमेशन से जो ओवरऑल एनिमेशन है, ओवरऑल एनिमेशन ओके जो टू है आपको टू नहीं गाइस, ओवरऑल एनिमेशन आपको कौन सा सेलेक्ट करना है, ये वाला सेलेक्ट करना, ओवरऑल एनिमेशन जो थ्री है ये वाला सेलेक्ट करना है। इससे आप वन नंबर वाला टू नंबर वाला कोई सा भी सिलेक्ट कर सकते हो। बॉक्स आइकन पे क्लिक करना है आपको क्लिप ग्राफिक्स पे और अपने इंटरनेट को ऑन कर लेना है। अब ऑन करने के बाद इस प्रकार से आपके सामने ऑप्शंस मिल जाएंगे, ओवरऑल एनिमेशन थ्री है सो सभी ओवरऑल एनिमेशन यहाँ पर मिल जाएगा आपको। अब कैसे क्या करना है आगे वाले में क्या करना है आपको, फिर इसमें भी आपको वही करना है, ओवरऑल एनिमेशन थ्री से कोई सा भी एडिट कर लेना है। ओके अब आगे क्या करना है, फिर आगे जो है इसमें आपको करना है कॉल मीडिया से तीन नंबर सॉरी गाइस चार नंबर नहीं पाँच नंबर सेलेक्ट करना। ओके कॉल मीडिया से पाँच नंबर और अगले वाले में छः नंबर सेलेक्ट कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमारा ये चार इमेज में हमारा फैड एड हो चुका है। ओके फिर आगे हम देखेंगे और यहाँ पे देखो इसमें ओवरऑल एनिमेशन है तो ओवरऑल एनिमेशन थ्री से कोई सा भी डाल देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ओके और इधर हम इसमें कॉल मीडिया से कोई भी इफेक्ट डाल देंगे, कोई भी सा भी इफेक्ट डाल देना आपको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इधर दो इमेज में आपको इफेक्ट सेम डालना है। तो तीन नंबर डाल देता हूँ और इसमें भी तीन नंबर डाल देता हूँ, मैं कॉल मीडिया से तीन नंबर वाला इसमें भी डाल देता हूँ। ओके सो गाइस मैं बहुत ही स्पीड बोल रहा हूँ सच में गाइस, उसके लिए सॉरी गाइस। अब गाइस देखो क्या करना है, इसमें मैंने एड किया, अब इधर फिर से हम इसमें ओवरऑल एनिमेशन डालेंगे। ओके सो वही डालेंगे, ओवरऑल एनिमेशन थ्री से कोई सा भी डालेंगे हम इसमें भी। ओके तो ये वाला डाल दिया मैंने। अब गाइस क्या करना है आपको, यही करना है जो इधर उधर जो मैंने बता दिया आपको वही करना है। अब इधर क्या करना है, जो जिसका भी लेंथ ज़्यादा है जो इमेज का उसमें आपको ओवरऑल एनिमेशन थ्री से कोई इफेक्ट डालना है, और जिसका लेंथ कम है इधर दो इमेज में आपको कॉल मीडिया से कोई सा भी इफेक्ट डाल देना है। ओके ये देखो गाइस इसमें भी मैं डाल देता हूँ, इस प्रकार से आपको डालना है। ओके ये देखो गाइस इधर ये बड़ा इमेज आया, इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको ओवरऑल एनिमेशन थ्री से कोई सा भी इफेक्ट डाल देना है। तो देखना जो पहले देखो क्या होगा, यहाँ पे देखो मैं आपको शुरू से समझाता हूँ। पहले आपको दो इमेज में ओवरऑल एनिमेशन डालना है कोई सा भी इफेक्ट, उसके बाद फिर आपको डालना है दो इमेज में कॉल मीडिया। ओके अब इतना डालने के बाद आपको कुछ भी नहीं करना है, एक इमेज में आपको आगे एक इमेज में ओवरऑल एनिमेशन से डालना है और दो इमेज में कॉल मीडिया से इफेक्ट डालना है, फिर एक इमेज ओवरऑल एनिमेशन से और दो इमेज कॉल मीडिया से, फिर एक इमेज ओवरऑल एनिमेशन से दो इमेज कॉल मीडिया से। सो आपको इसी प्रकार से पूरा वीडियो में डालना है। मैंने कुछ वीडियो में इफेक्ट ऐड कर दिया है, जो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला है उसे आपको अंदाजा लग जाएगा कि किस प्रकार से ऐड करना है। ओके तो वो वीडियो को आप सही से देख लेना कि ओवरऑल एनिमेशन कौन सा है और कॉल मीडिया कौन सा है। सो गाइस फिर आपको लेयर पे क्लिक करना है और मीडिया पे क्लिक करना है, डन आपको ये वाला जो है इफेक्ट वीडियो को ऐड कर लेना है। सो गाइस और भी कोई वीडियो डालूंगा 15 अगस्त पे, अगर डाल चाहते हो आपके मैं डालूं तो कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं ज़रूर डालूंगा। कल कोशिश करूंगा कि कल भी डाल दूं एक वीडियो। ओके ब्लेंडिंग में इसका ब्लेंडिंग में जाने के बाद स्क्रीन कर देना ये इफेक्ट को। ओके गाइस जिसको डीजे में नहीं चाहिए वो स्टेटस वीडियो मैंने बना दिया है, उसके लिए एटी एडिटर्स चैनल का नाम है, वो चैनल पर आप जाके चेक कर सकते हो। अब गाइस ये वीडियो जाके बन चुका है, या मैं वीडियो को थोड़ा प्ले दिखाता हूँ कैसा बना वीडियो। सो गाइस बस मैंने थोड़ा सा बनाया है बस आपको समझाने के लिए, क्योंकि मैं अगर पूरा बनाऊंगा तो देखो पहले से 9 मिनट का वीडियो बन चुका है और मैं पूरा बना के दिखाता तो कितना मिनट का चला जाता पता नहीं। सो गाइस फिर आपको शेयर आइकन पे क्लिक करने के बाद अपनी वीडियो को सपोर्ट कर लेना है। सो गाइस बस आज के लिए इतना है, आई होप कि वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। सो गाइस मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।